की लाश की शनाख्त हो गई है। बच्ची की शनाख्त रोमा के नाम से हुई है, ये पुलिस का कहना है, जबकि ये बच्ची मच्छर कॉलोनी की रिहायशी है जो 15 जुलाई से लापता थी। लवाहिकीन ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतालिका थाने में दर्ज करवाई थी और अब इस बच्ची की लाश बरामद हुई है मच्छर कॉलोनी से ही, गंदे नाले के करीब से इस बच्ची की लाश बरामद हुई है। मुन्नस सिराज से मजीद तफसीला जानेंगे। मुन्नस सिराज, बताइएगा क्या इब्तदाई तौर पर सामने आ सका है इस वाकये के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इरफाना, ये अफसोसनाक वाकया जो है पेश आया है आज अल सुबह कराची का इलाका मच्छर कॉलोनी, जहां पर गंदे नाली के करीब से एक बोरी में बंद जो है वो बच्ची की लाश बरामद हुई थी। और बताया जा रहा है पुलिस जराये की जानिब से कि बदतरीन तशद्दुद करके जो है इस बच्ची को कत्ल किया गया है। और बच्ची की शनाख्त जो है वो अब से कुछ देर पहले 9 से 10 साल रोमा के नाम से जो है वो सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है पुलिस जराये की जानिब से कि रोमा जो बच्ची है ये मच्छर कॉलोनी के ही इलाके की रिहायशी थी, जबकि 15 जुलाई से ये बच्ची जो है वो लापता थी। और इसके लवायतीन की जानिब से मुतल्लिका थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, मगर पुलिस की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए थे बच्ची की बाजियाबी के हवाले से। और उसका नतीजा जो है आज इस तरह से सामने आया है कि बच्ची की सरकटी लाश जो है वो बरामद हुई है एक बोरी के अंदर से, गंदे नाले के करीब मुलजमान इसको फेंक कर गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि गफलत और बेहिशी की एक और मिसाल इसी हवाले से सामने ये आई है कि सिविल अस्पताल में इस वक्त इस बच्ची की लाश तकरीबन 2 घंटे से मौजूद है, पोस्टमार्टम की मुंतजर है इस बच्ची की लाश, लेकिन अभी तक लेडी एमएलओ जो है वो नहीं पहुंची है। यही वजह है कि बच्ची की लाश जो है वहाँ मौजूद है। लवाहिकीन में भी जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, लेकिन जो लेडी एमएलओ है वो अभी तक सिविल अस्पताल नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि बच्ची की लाश जो है वो पोस्टमार्टम की मुंतजर है, और पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद ही पुलिस जराये का ये कहना है कि बच्ची की वजह मौत जो है वो वाजे हो सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्ची की वजह मौत सामने आ सकेगी। मुन्नस सिराज अपडेट कर रहे थे।